मतलब ये सब कुछ बिल्कुल एकदम स्पॉन्सर्ड रहेगा, सब, सब आपको अपने जेब से भाई एक रुपए भी नहीं देने हैं। यहाँ पे सारा जो है पैड का हर्षित भाई ने रखा हुआ है थोड़ा। अगर आपके पास किट नहीं है, किट में अगर आपके पास पैड्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, एल्बो गार्ड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। उसके कोई चार्जेस है नहीं, उसके कोई चार्ज के कोई चार्जेस नहीं है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब, आई होप आप लोग एकदम फिट हेल्दी और एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, जो मैंने बात अभी बोली कि फिट हेल्दी और एकदम मस्त होंगे, उसमें से जो पहला वर्ड मैंने बोला वो है फिटनेस। और फिटनेस के लिए हर्षित भाई आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि हमारे पास बहुत तरीके हैं जिनसे हम फिटनेस को फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, डेली की जिंदगी में, ठीक है। उसमें से एक जो कि फैक्टर जिसको या की पैरामीटर मैं बोलता हूँ फिटनेस का, वो है स्पोर्ट्स, ठीक है। और जैसे कि हम लोग भारत देश में रहते हैं और जिस तरह मेरा एक फेवरेट पॉपुलर जो हमारे देश में इंडिया में स्पोर्ट है वो है क्रिकेट, ठीक है। जैसे कि मेरा फेवरेट है तो भाई मैं बहुतों का फेवरेट होगा भी, मेरे भाइयों का जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हर्षित भाई का भी फेवरेट है। तो उस क्रिकेट को हम लोग जो है बचपन में बहुत खेलते थे जी, ठीक है। उसके बाद हम बड़े हुए, हमारी पढ़ाई चालू हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रेंड सर्कल वो रहा नहीं, तो वो जो स्पोर्ट था जिससे हम इतना प्यार करते थे ना, वो छूट गया हमारा। उसके बाद हम कॉलेज में चले गए, कॉलेज में भी वही रहा, जो हमारा स्पोर्ट्स का जो सर्कल रहता है, फ्रेंड्स वाला सर्कल रहता है, वो भी छूट जाता है, क्योंकि कभी कोई बच्चा जो है वो अपने किसी और फील्ड में चला जाता है, कभी कोई किसी स्टडीज में बिजी है। ऐसे ही फिर हम जब और बड़े होते हैं तो भैया ऑफिस में चले जाते हैं, जॉब लग जाती है, लाइफ के झंझट चालू हो जाते हैं, तो भाई ये सब चीजें हम एकदम भूल जाते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे, जो ग्राउंड वगैरह का रहता है वो भी सीन खराब हो जाता है, ग्राउंड नहीं मिलता, कभी कभार प्लेयर्स नहीं मिलते, हमारे में भी उतना वो नहीं रहता कि यार सुबह उठ के कोई स्पेशल जाए खेलने के लिए, या बहुत चीजें होती है जो वो मिसमैच होने लग जाती है। पर क्योंकि मैं अगर एक स्पोर्ट लवर हूं तो आपके लिए इस चीज का मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है हर्षित भैया। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह पे आप लोगों को लेके आया हूँ, जहाँ पे आपका जो क्रिकेट का पैशन है वो मैं नहीं छूटने दूंगा, अगर आप स्पेशली दिल्ली से बिलोंग करते हो। तो फिलहाल आज हम आए हैं मोती नगर में, और ये जो आप मेरे पीछे एक शॉप देख रहे हो, ये तो हर्षित भैया का जो है एक, मैं बोल रहा हूँ, एक गोडाउन सा है यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने क्रिकेट से रिलेटेड सारी एक्सेसरी रखी हुई है, जो आज हम आपको वीडियो में आने वाले उसमें दिखाने वाले हैं। पर मैं आज आपको क्यों यहाँ पे लेके आया, क्योंकि यहाँ पे हर्षित भैया ने और पुलकित भैया ने मिलके खोले हैं नेट्स, क्रिकेट नेट्स, जो कि जस्ट मेरे पीछे हैं, वो भी आपको शॉर्ट्स जो मैं आने वाले उसमें दिखाने वाला हूँ। तो हर्षित भैया, आपका क्या मकसद था ये नेट्स खोलने का, और इसके पीछे आपका क्या था कि यार नेट्स खोलने हैं, और मतलब क्यों? देखिए, जैसे आपने बताया कि हम लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, अब मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने हमारे पास आके 70-70 साल बाद बैट उठाए हैं। सही बात है, बहुत ओल्ड एज के भी आते हैं, बच्चे आते हैं। तो एक मेन पर्पस ये था कि स्पोर्ट्स का जो जज्बा है हमारे अंदर, जो हमारे बचपन से खेलते आए हैं हम, वो बंद नहीं होना चाहिए। प्लस इंडोर नेट्स का एक हमारा ये बेनिफिट रहता है कि बाहर बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा, आपको खेलना है, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, आप बढ़िया अपनी प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल। तो गाइस, मतलब यही है कि आप अपने जो पैशन है, ठीक है, चाहे देखो पैशन जो होता है वो एज से कभी भी नापा नहीं जा सकता। हाँ जी। अगर आप 5 साल के हो, 15 साल के हो, 50 साल के हो, तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि आपको एज उसमें देखनी चाहिए, अगर आपको मौका मिल रहा तो खेलो, खेल लो, ठीक है। और क्योंकि अब हर्षित भाई आपके लिए ये एक ऐसी लोकेशन पे आपको लेके आए हैं ये जो क्रिकेट नेट्स हैं, जहाँ पे भाई आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप चाहे नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ, सेंट्रल दिल्ली, कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी आप पंजाब से भी हो, तो भी आपको मजा आने, तो भी मजा आने वाला है, वो भी आने वाले उस वीडियो में जो है हर्षित भाई आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पंजाब से देख रहे हो तो पंजाब में कैसा आने वाला है। फिलहाल हम दिल्ली में खड़े हैं और आज हम खड़े हैं क्रिकेट, आप ही बताओ हर्षित भैया किस नाम से है? आज हम खड़े हैं क्रिकेट नेट में, जो हमारा मोतीनगर में है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप कहीं पे भी किसी भी इजीली पहुंच सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। हम आपको दिखाते हैं कि हमारे सेंटर पे होता क्या है एक्चुअली। बिल्कुल। और आप लोग जब कभी भी यहाँ पे आओगे तो अभी हम नीचे चलते हैं हर्षित भैया को लेके, ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए कि ये एक्चुअली में है कहाँ पे। सो गाइस, हम आपको अभी लेके आ चुके हैं रोड पे एग्जैक्टली लोकेशन बताने के लिए हर्षित भैया भाइयों को कि उनको आना कैसे है। तो आप एक बार लोकेशन बताओ। ठीक है, आपको अगर आप टूवर्ड्स राजा गार्डन आ रहे हैं तो आपको मेट्रो स्टेशन से जस्ट पहले हीरा स्वीट्स दिखेगा ऑपोजिट साइड, नहीं अच्छा। तो आपको दिखेगा पिलर नंबर 328 के जस्ट सामने आप देखेंगे ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, मेरा बोर्ड, नीचे स्टेयर्स जा रही है उसी के, वहीं से एंट्री है फर्स्ट फ्लोर पे हमारा। तो हर्षित भाई, वो मतलब मेट्रो स्टेशन है मोती नगर का। हाँ जी।
अच्छा वो मेट्रो स्टेशन मोती नगर का और ये जा रहा है रास्ता टुवर्ड्स रजौरी गार्डन। तो भाई देख लो मोती नगर का मेट्रो स्टेशन एकदम नियर बाय है और सामने हीरा स्वीट, जैसे कि भाई सामने हीरा स्वीट्स आपको मिलता है ना, और उसी के जस्ट अपोजिट भाई ये रहा नेट्स हमारे, ठीक है। और नीचे भी आगे पीछे आप देख लो कि यहाँ पे कौन कौन सी दुकान है। तो गाइस आपने लोकेशन देख ली होगी कि आपको यहाँ पे पहुंचना कैसे है। अब बात आती है टाइमिंग्स की और पुलकित हर्षित भैया की माल पैसा, ठीक है, वो चार्जेस कितने लगेंगे अगर मेरा कोई भी भाई यहाँ पे आएगा तो चार्जेस उसको पर ओवर क्या लगने वाले हैं, कैसे लगने वाले हैं, किट के साथ कोई आना चाहता है विदाउट किट वगैरह आप एक बार मेरी पूरी ऑडियंस को समझा दो ताकि उनको आसानी समझ में आ जाए कि भैया मेरे पास किट नहीं है तो मैं आ सकता हूँ खेलने नहीं आ सकता, मेरे पास किट है तो क्या चार्जेस वगैरह, तो उनके सारे डाउट्स आप क्लियर, ठीक है। मैं पहले डाउट क्लियर करता हूँ टाइमिंग का। बिल्कुल, टाइमिंग हमारी सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक है। अच्छा, बाई चांस अगर आपकी बुकिंग चल रही है और आपके ओवर्स कम्प्लीट नहीं हुए तो 9:30 से 10 तक भी हो जाएगी। अच्छा, उसमें हम कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड आपने पूछा मेरे से प्राइसेस का, प्राइसेस का हमारा ये रहता है कि अगर आप 20 ओवर्स खेलते हैं तो उसमें 350 रुपीज़ है। अच्छा, ठीक है। और अगर आप प्लान लेते हैं 100 ओवर्स का जिसको आप एक मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं वो हमारा 1500 का है। अच्छा, हाँ जी। बात रही स्पोर्ट्स के सामान की तो इस पर हम अभी बेस्ट प्राइजेस दे रहे हैं, वो हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आप आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा बेस्ट प्राइसेस है। अगर हम आपको बेस्ट प्राइस नहीं दे पाते आप किसी भी और शॉप पे जाइए हमारे से बेस्ट प्राइस लेके आइए और आप हमारे को लाके बिल दिखाइए, हम आपको अपने यहाँ पे 5 ओवर फ्री खेलने के लिए देंगे। अच्छा, तो अर्षित भाई ये भी बता दो, जैसे मैं एक क्रिकेट लवर हूँ, ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है पर मेरे पास किट नहीं है पर मुझे नेट्स खेलने आना है, कोई इशू नहीं है आपको, आपको यहाँ पे किट अवेलेबल होगी, आपको अगर पर्सनल गार्ड चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, आप अपना पर्सनल गार्ड परचेज कर सकते हो। गार्ड हम यूजुअली मना करते हैं सबको कि किसी का ऐसे यूज ना करे, बाकी पैड किट बैट जो भी आपको हेलमेट वगैरह ग्लव्स हेलमेट जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो अगर मैं खाली आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई इशू नहीं, किट मिल जाएगी, बस मिल जाएगी। वो होता है कि भाई देखो एल गार्ड जो होता है वो सब अपना ही लेके आओ, सपोर्टर वगैरह जो है वो आप अपना लेके आ सकते हो, कोई इतनी महंगी चीज भी नहीं है। बाकी अगर आपके पास किट नहीं है, किट में अगर आपके पास पैड्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, एल्बो गार्ड वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। उसके कोई चार्जेस हैं? नहीं, उसके कोई चार्ज, उसके कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो ओवर का सेशन होगा ओवर के सेशन उसका बस उसके चार्ज, उसके चार्जेस आपको लगेंगे, बाकी किट के कोई चार्जेस नहीं है। अब हम आपको थोड़ा बाहर दिखाते हैं कि एक्चुअल में जो नेट्स हैं जैसे आप मेरे यहाँ पे पीछे देख सकते हो तो वो कैसे लगते हैं। फिलहाल अभी एक सेशन चल रहा है तो भाई जो नॉकिंग की आवाज़ होती है उसको थोड़ा इग्नोर करना और बाकी जो सेशन चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मज़ेदार बात है इसकी पूरे जो नेट्स की वो है इसकी भाई लेंथ, जो क्या मज़ेदार लेंथ है। और आपकी लेवरेज की मशीन है भैया? हाँ जी, लेवरेज, लेवरेज की बॉलिंग मशीन है, स्पीड वगैरह बढ़िया से एडजस्ट हो जाती है, हमारी कस्टम मेड मशीन है, हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा रखा है। 165 तक इसकी स्पीड जा सकती है, टॉप स्पीड जो कि अभी क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई बॉलर नहीं डाल पाया। अच्छा, 165 जाती है। 165। अच्छा, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो स्विंग स्पिन, आप इसमें हर तरह की बॉल खेल सकते हो, बॉल खेल सकते हैं। तो भाई जो है 95 पे खेल रहा है तो एक्सपीरियंस करो आप थोड़ा आगे, ठीक है। ये है भैया यहाँ का नेट्स का बैटिंग का एरिया, जैसे कि भैया और वहाँ से है बॉलिंग मशीन, ठीक है। तो बाकी है कि वेल वेंटिलेटेड जगह है, पीछे हमारा जो फैन भी चलता है कि होता है कि गर्मी में जो है गर्मी रहती है सेशंस के दौरान, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे पंखा यहाँ पे लगा रखा है भैया ने भी। बाकी आइए अब मशीन दिखाता हूँ हमारी, बाकी भाई देखो पूरी लाइट्स वगैरह एकदम मज़ेदार प्रॉपर तरीके से कर रखा है ताकि आपको कोई भी इशू ना हो इन सब चीज़ों में। अगर आप रात में भी आते हैं तो रात में भी आपको यही सीन मिलने वाला है। इसमें हमारे बॉलर जो है इनको अराउंड 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 से 3 साल हो गए हैं ये बॉलिंग करते आ रहे हैं, इतने एक्सपर्ट है। अच्छा, तो ये बॉल है हमारी यहाँ पे टफनेस, ये
हमारी चेंजिंग के लिए प्लेयर्स आते हैं, उनको चेंजेस करने होते हैं, अपने कपड़े चेंज करने होते हैं। लेडीज का अलग है हमारा, जेंट्स का अलग है हमारा। हाँ जी, हमारे यहाँ पे लेडीज प्लेयर भी काफ़ी आती है खेलने के लिए, तो उनके लिए हमने इसलिए सेपरेट रखा और इधर हमने सेपरेट रखा है। तो गाइस मतलब ये जो स्पोर्ट है ये कोई मतलब इसको बोले मेल डोमिनेंट स्पोर्ट नहीं है, मेल ओरिएंटेड स्पोर्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हर्षित भैया की बहुत बढ़िया मेरे को बात लगी कि चेंजिंग के लिए उन्होंने लेडीज़ के लिए भी, फीमेल्स क्रिकेटर्स के लिए भी स्पेशल अलग से प्रॉपर एक सेटअप रखा हुआ है, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है हर्षित भैया ने यहाँ पे सेटअप रखा हुआ है। बाकी आपने पिच देख ली है, लेंथ देख ली है, मशीन देख ली है, आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। आना ज़रूर अगर आप एक क्रिकेट लवर हो, अगर आप स्पोर्ट के लवर हो और आप इंडोर प्रैक्टिस करनी है, इंडोर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्योंकि आने वाले टाइम में भाई बारिश का सीज़न चालू होने वाला है, मैं ये नहीं चाहता कि आपका जो ये पैशन है वो छूटे वो रुके भी। तो यहाँ पे आप आना, आपका जो चार्जेस वगैरह मैंने आपको वीडियो में हर्षित भाई ने बता दिए, चार्जेस वगैरह आप यहाँ पे आके बेस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू आओगे तो भाई हर्षित भैया आपको बता देंगे कि भाई मेरे चैनल के थ्रू आए, आपके चैनल के थ्रू आएंगे, हम जो रिगार्ड करेंगे वो कोई और नहीं करके। बिल्कुल, तो मेरी वीडियो के थ्रू अगर आप आओगे तो भाई हर्षित भैया को बता देना कि मेरी वीडियो के आप थ्रू आए हो, तो बेस्ट प्राइस आपको देंगे। हमारे पास 100+ बैट्स हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, आपको जो भी बैट समझ में आता है आप उठाइए, हम आपको उस पर डिस्काउंट अपने हिसाब से आपके चैनल के लिए स्पेशल दे देंगे। हमारे पास बैट रेंज इंग्लिश विलो में स्टार्ट है 5000 से एंड अप टू, तो फिर कोई हिसाब नहीं होता। 5000 वाला हर्षित भैया एक बार दिखाओ, मैं आपको दिखाता। देखिए अच्छा 5000 MRP आप इस देख सकते हैं, इंग्लिश विलो बैट है, SG का है, हाइब्रिड टेक है, ये SG ने नई निकाली थी सीरीज। अच्छा, उस सीरीज का बैट है। अच्छा अच्छा, फिर ये 5000 का मिल जाएगा, 5000 MRP है, इसके बाद हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको इतने बढ़िया रेट पे, SG का बैट है, प्योर इंग्लिश विलो, जिसको प्योर इंग्लिश विलो, हाँ जी। और इसके बाद अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं प्राइस पे, इसके बाद अगर आप थोड़ा प्राइस में बढ़ते हैं और कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको DSC मिल जाएंगे। अच्छा, DSC का मिल जाएगा, हाँ जी, DSC का आपको ये मिल जाएगा, आप MRP देख सकते हैं 9,899 की। इंग्लिश विलो बैट है, अच्छा, इंटेंस फेरोसिटी। अच्छा अच्छा, इसके बाद फिर आपको अगर हायर रेंज के बैट चाहिए तो हमारे पास हायर रेंज में GM है, अच्छा। SG सनी टनी आप देख सकते हैं, करंट सीरीज जो डेविड वार्नर यूज करते हैं वो सीरीज मिल जाएगी आपको। अच्छा, सारी मतलब आपने सारा प्रोफाइल रखा है और सारे बैट हैंड पिक्ड है, हम खुद चेक करके सारे बैट लाए हैं, आप कभी भी आके यहाँ पे पिंग चेक कर सकते हैं। प्लस नॉर्मल बैट, नॉर्मल शॉपकीपर आपको कहते हैं कि पिंग आप ऐसे चेक कर, बॉल डाल के आप नॉर्मल चेक कर सकते हैं, हम कहते हैं हम अंडर आर्म आपको बॉल कराएंगे हमारी नेट्स पे, और उसमें आप पिंग अपनी चेक कर सकते हैं, बिकॉज बॉल ऐसे ऊपर छोड़ने से पिंग आपको पता नहीं चलती, मेन आपको पता चलता है जब शॉट खेलती है। बिल्कुल, सो हम आपको अंडर आर्म बॉल से यहाँ पे आपको टेस्ट करा सकते हैं कि आपकी शॉट कैसी हो। यहाँ पे सारा जो है बैट का हर्षित भाई ने रखा हुआ है, थोड़ा इस साइड आते हैं तो हर्षित भाई ये बताओ ये सेक्शन किस लिए है। ये सेक्शन बेसिकली हमारा ग्लव्स, इनर्स, थाई पैड, अच्छा इन चीजों का है ये। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे DSC के ये थाई पैड हैं, थाई पैड्स हैं, सब के इनर ग्लव्स हो गए, इनर ग्लव्स, आपका ऊपर टो गार्ड हो गया, अच्छा टो गार्ड भी, विकेट कीपिंग ग्लव्स हो गए, अच्छा DSC का विकेट कीपिंग ग्लव्स है, SG के आपके टेस्ट सीरीज के पैड्स हो गए, SF का विकेट कीपिंग ग्लव्स, एल्बो गार्ड्स हो गए आपके। अच्छा अच्छा, तो मतलब सारा सामान यहाँ पे मिलने वाला है, और ऐसी मतलब आप कह सकते हैं प्राइस रेंज जो इसकी है वो मिनिमम से स्टार्ट है और जितनी आप ऊपर जाना चाहें उतने ऊपर तक का चली जाती है। तो मतलब गाइस यहाँ पे आपको सारा सामान मिलने वाला है, जैसे ग्लव्स वगैरह जो है ये सब यहाँ पे आपको SF वगैरह के बहुत बढ़िया बढ़िया रेंज के मिलने वाले हैं। तो भाई मतलब ये भी नहीं होगा कि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आके अपने आप कन्फ्यूजन दूर कर लो, सारा सामान जो है भाई हर्षित भाई ने यहाँ पे रखा हुआ है। हेलमेट्स की बात करो तो हेलमेट्स यहाँ पे SF के भी है, हमारे पास SG के भी है, अच्छा SG के भी मिल जाएंगे। तो इस साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है जो हर्षित भाई ने रखे हुए हैं पैड्स, क्रिकेट पैड्स, तो ये SG के हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह के, DSC के रखे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सारा जितना है मेटेरियल हर्षित भाई ने रखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे पेन के भी देख लो, है ना। हाँ, पेन के देख लो, हर साइज में अवेलेबल है, हैरो 5 नंबर, 6 नंबर, एडल्ट, हर चीज का, अडल्ट, जूनियर्स, बॉयज, सब में मिल जाएगा, सब में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा हर्षित भाई ने यहाँ पे क्रिकेट शूज भी रखे हुए हैं, DSC के जाफा सीरीज वगैरह जो है, जैसे कि यहाँ पे भाई बहुत पॉपुलर सीरीज है, तो ये भी हर्षित भाई ने रखे हुए हैं। जो जितने भी मेरे भाई लोग बडिंग क्रिकेटर्स हैं, बडिंग जिनका मतलब अभी जो ग्रो कर रहे हैं या स्पोर्ट में और ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई हर्षित भैया जो अपने पार्टनर्स वगैरह जो अभी हर्षित भैया के साथ हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनना,
कुछ टाइम के आने के टाइम में जो है हर्षित भैया अपने टीम वगैरह के साथ जो है स्पॉन्सर जो है प्लेयर्स को पिकअप करने वाले हैं, ठीक है, उसका जो फॉर्मेट रहेगा आपको हर्षित भैया बताते हैं। हम पर सेंटर अपना 5 चिल्ड्रन अडॉप्ट कर रही है। अच्छा, जिसमें हम उनको मंथली यहाँ पे ट्रेनिंग दिया करेंगे। अच्छा, स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए होगा फॉर एनी एक्सेसरीज जो होने चाहिए। 200 ओवर्स का यहाँ पे रहेगा हमारा, उनको मंथली 2 ओवर्स मिलेंगे खेलने के लिए, अपने स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। अभी हम यहाँ पे भैया के चैनल के थ्रू हम एक गूगल फॉर्म लिंक भेज देंगे। अच्छा, जिसमें हर बच्चे जिस बच्चे को भी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए उसको अपना क्रिक हीरोज का स्टैट्स प्लस 100 रुपीज भरने पड़ेंगे। बिकॉज हम चाहते हैं कि जो बच्चा आना चाहता है वो दिल से आना चाहे, ये ना हो कि वो बुकिंग करके फिर वो आए ना, बिल्कुल, क्योंकि उसमें उसका भी लॉस है हमारा भी लॉस है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी हमारा ये प्लान है, अभी हमारे टोटल ऑल ओवर 4 सेंटर्स हैं। अच्छा, 2 पंजाब 2 दिल्ली, ठीक है। तो अभी के लिए 20 बच्चे हम ऐसे अडॉप्ट कर रहे हैं। 20 जो अपॉर्चुनिटी है वो एज रिस्ट्रिक्टेड, एज रिस्ट्रिक्टेड कोई नहीं है, ठीक है। आप चाहे अंडर 16 हो, अंडर 21 हो, अंडर 21 हो, आप आके खेल सकते हैं, आप अपना ट्रायल दीजिए। बिल्कुल, हम ट्रायल करवाएंगे वहाँ पे, फिर जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी फीस वापस दे दी जाएगी जो 100 रुपीज हम ले रहे हैं। अच्छा, और बाकी जो बच्चे होंगे उनके वहाँ पे मैच करवाए जाएंगे, चाहे 2 टीम हो चाहे 4 टीम हो, जितनी भी टीम्स होंगी उनका वहाँ पे ट्रायल करवाया जाएगा। अच्छा, ट्रायल करा जाएगा, तो मतलब ये सब कुछ बिल्कुल एकदम स्पॉन्सर्ड रहेगा, आपको अपने जेब से भाई 1 रुपए भी नहीं देने हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपना पैशन को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अगर आप मतलब आपके अंदर टैलेंट है पर आपको उस चीज को कहीं दिखाने का मौका नहीं मिल रहा, तो जो क्रिक 8 जो नेट करके जो भैया का वो है क्या बोलते हैं, क्रिकेट इन नेट करके इंडोर नेट्स हैं जो, तो ये चीज स्पॉन्सर्ड जो है लेके आने वाले हैं। तो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वरना जो मैं हर्षित भैया का नंबर डाल दूंगा आप उनसे फोन करके पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो बिल्कुल एकदम 24/7 रेडी है, दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम आप फोन करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, कि भैया अगर आपको सेंटर पे आना है, अगर आपको कोई एसेसरी की नीड है या आपको स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड कुछ बात करनी है तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं जैसे आपको फिजिबल हो। बिल्कुल। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो, आगे आप उड़ते फिरते अगर आप इस चैनल पे आ गए हो, आपने ये वीडियो देखी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, स्पेशली वो लोग तो भाई सब्सक्राइब कर लेना जो स्पोर्ट्स लवर बनता है। तो आपसे मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, टेक केयर। One.